आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको, और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े। वो घर पहले आया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस विषय ना हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको अपन हुआ, अब यहाँ पर भंडारे में लग गए, और वैसे उस पर चौनी खर्च होनी थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता उसने जाते कह घुट्टी लाओ उसके 55 रुपये की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगे हो। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा, और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमें हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की, फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है कि इतना ही मांग लो बस, तुम इसमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी। तो आप इतना ही मांगो जा मैं कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं, ये है जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए, फिर देगा आपको। और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो, फिर कैसे जैसे परमात्मा कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहेब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहेब कबीर के दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है ईश्वर का, परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो फिर साहेब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है, एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार और थान बनाना पड़ता है, ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी खाद्य पदार्थ लाते, और शेष बच जाते उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा, और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा ये मन, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको, यहाँ वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु की का अभाव ना हो।